नमस्कार मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परसों हमने आपको हिंदी का वर्णमाला टॉपिक शुरू किया था, आज हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे की प्रक्रिया जारी करेंगे। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों ने परसों पढ़ा था, थोड़ा सा दो मिनट में रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का जो है टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले यह बताया था, पहला टॉपिक हमने यह बताया था कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में जो है क्या अंतर होता है, जो है ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। एक बार हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, जो है जिन लोगों ने देखा है वो भी देखें और नए लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए, ध्वनि लिखा है कि यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, अर्थात अभी इसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है, ये केवल मुख से मौखिक रूप में बोला जाता है। वर्ण के बारे में हमने आपको बताया था कि यह भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। जैसे हम उसी ध्वनि को अगर लिपिबद्ध रूप में लिख दें, जैसे का, खा, गा, तो यही वर्ण बन जाता है। अक्षर के बारे में हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से अक्षर का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे कोई वर्ड हम, कोई अक्षर हम लोग ले लें, जैसे का अक्षर, तो का में जो है का प्लस आ से ये मिलकर बना है। लेकिन अगर हम कोई संयुक्त व्यंजन लेंगे, जैसे देखिए छ एक संयुक्त व्यंजन है, तो का प्लस सा प्लस आ से मिलकर ये बना है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि तीन चार शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में लिया था और उसका वर्ण विच्छेद करके आपको दिखाया था, और ये गिनने भी आता है, परीक्षा में गिनने के लिए आता है कि इस शब्द में कुल कितने वर्ण हैं, यानी इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो जैसे देखिए, हमने एक शब्द राम लिया था, तो राम में देखिए रा और मा दो अक्षर है और इसमें चार वर्ण है टोटल। रा और आ दीर्घ आ है, मा है और लघु आ है, तो ये चार वर्ण हैं और दो अक्षर हैं। इसके बाद देखिए, हमने अंत्याक्षरी एक शब्द लिया था। अंत्याक्षरी जो है कई बार आपके एग्जाम में वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के रूप में आया है, तो इस प्रकार से इसको सही लिखा जाता है अंत्याक्षरी को। तो देखिए, अंत्याक्षरी में जो है कुल पांच अक्षर है, और अगर हम वर्ण विच्छेद की बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका वर्ण विच्छेद यही सही है, और इस वर्ण विच्छेद में अगर आप वर्णों की संख्या गिनेंगे तो टोटल 10 आएगा। इसके बाद देखिए, हमने प्रेम एक शब्द लिया था, यहाँ पे कुल पांच वर्ण हैं वर्ण विच्छेद करने पर। इसके बाद एक शब्द हमने लिया था प्यार, प्यार में देखिए ढाई अक्षर है टोटल और पांच वर्ण है टोटल। इसके बाद हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक लिया था, वर्ण अक्षर में क्या अंतर होता है, क्योंकि ध्वनि तो मौखिक इकाई है इसलिए उसकी बात छोड़ दीजिए। वर्ण और अक्षर, तो वर्ण और अक्षर दोनों लिखित इकाई है, तो अंतर क्या होता है कि अक्षर जो होता है वो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है, और वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जो है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने आपको बताया था कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। यहां पे देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक लिया था स्वर, स्वर जो है स्वरों की कुल संख्या। अब बात आती है कि स्वर कुल कितने होते हैं, तो देखिए स्वरों की कुल संख्या जो होती है वो होती है 11। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, 11। बहुत लोग 13 बताते हैं लेकिन 13 नहीं होता है, मैं आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा कि क्यों 13 नहीं होता है, क्यों 11 होता है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो 13 बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो अयोग वाह वर्ण को भी जोड़कर बताते हैं, जो आपका अंग और अह होता है अर्थात अनुस्वार और विसर्ग होता है, उसको भी जोड़कर लोग 11 प्लस 2 करके 13 बताते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको ऑप्शन में 11 ही रहेगा, आप 11 ही उत्तर लगाएंगे जो है, आपको 13 नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। इसके बाद देखिए, आपको मैंने एक डिवाइडेशन बताया था कि स्वर जो है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, अर्थात कुल स्वरों की संख्या तो 11 होती है लेकिन उसमें से मूल स्वर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और री, यही चार ऐसे स्वर हैं जो मूल हैं या परंपरागत हैं, यानी इन्हीं मूल स्वरों की सहायता से हम अन्य स्वरों को बना सकते हैं, जो अन्य 7 स्वर आपके बच रहे हैं। अब जो अन्य 7 स्वर आपके बच रहे हैं मूल स्वर के अलावा, उनको भी देखिए दो पार्ट में बांटा गया है, एक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी है, 3, एक है दीर्घ आ, एक है दीर्घ ई और एक है दीर्घ उ। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वरों की कुल संख्या जो है 4 होती है, कौन कौन से, आ, ए, ओ और औ। अब ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है कि जो ए होता है वो किससे मिलकर बना है, तो आ प्लस ई से मिलकर बना है, आई जो है वो किससे मिलकर बना है, आ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ से मिलकर बना है, और जो औ होता है वो आ प्लस ओ से मिलकर बना है। यहां तक की क्लासेस में
जो यहां तक की क्लास जो है मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया जो नए लोग हैं उनके लिए जो है। आइए हम लोग देखते हैं जो है इसके आगे की कक्षा प्रारंभ करते हैं, जो आज की कक्षा है, कि जो है स्वर की संख्या तो 11 होती है, आपको पहले से भी पता है, मैंने बताया, लेकिन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्वर जो 11 होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इनके लिखने और बोलने का तरीका आप देखिएगा, लिखने का तरीका आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोलने का तरीका आप सुनने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए अ आ इ ई ओ ओ री ए आई ओ औ, ये आपके टोटल जो है 11 स्वर हुए। इन 11 स्वर में से आ जो स्वर है आपका वो आमात्रिक स्वर कहलाता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा स्वर आमात्रिक स्वर है, इसी को उदासीन स्वर भी बोलते हैं और इसी का एक अन्य नाम शहीद स्वर भी है। तो इसका देखिए आपका कई नाम है, आमात्रिक स्वर है, उदासीन स्वर है और शहीद स्वर है। इसका क्या तात्पर्य है कि यह आमात्रिक स्वर है, तो देखिए आ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे जब आप मात्रा के रूप में स्वरों को लिखेंगे तो आ की भी देखिए जो दीर्घ आ है उसकी भी मात्रा होती है, लघु ई की भी मात्रा होती है, दीर्घ ई की भी मात्रा होती है, ओ का भी मात्रा होता है, लेकिन आ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये आमात्रिक स्वर है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमात्रिक स्वर है, और ऑप्शन दिया रहता है आ ई उ री, तो आप इसमें कौन सा उत्तर लगाएंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि आ जो है उसकी कोई मात्रा जो है स्वीकार्य नहीं की गई है हिंदी में। इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की कितनी संख्या होती है, तो बहुत लोग जल्दीबाजी में इसको भी 11 लगा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आ जो है आमात्रिक स्वर है, इसका मतलब इसकी मात्रा ही नहीं है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 10 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दो क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है 11, और मात्रा के आधार पर स्वर की कितनी संख्या है 10। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो है स्वरों के भेद। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो है। जैसे मैंने देखिए 5 आधार पर भेद लिया है टोटल, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन यही कि इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको कैसा होता है। देखिए पहला आधार लिया गया है स्वरों के भेद का कि मात्रा के आधार पर, यानी कि जो 11 स्वर आपको दिख रहे हैं ऊपर जो है, इनकी मात्रा के आधार पर जो है कौन कौन से स्वर किसमें किसमें जाएंगे। तो देखिए मात्रा के आधार पर जो है स्वर जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है एक मात्रिक स्वर यानी लघु स्वर, तो जो आपके मूल स्वर थे वही एक मात्रिक स्वर होते हैं। जैसे देखिए अ ई उ री, तो जो अ ई उ री है ये आपका एक मात्रिक स्वर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा विभाजन है आपका द्विमात्रिक स्वर, इसी को गुर स्वर भी बोलते हैं या संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो दो देखिएगा, आप देखिएगा ये दो दो मूल स्वरों की सहायता से मिलकर बना है। इसीलिए द्विमात्रिक भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे दीर्घ आ है तो वो दो लघु आ से मिलकर बना है, दीर्घ ई है तो वो दो लघु ई से मिलकर बना है। तो देखिएगा गिनिएगा, तो अगर संधि स्वर की हम संख्या देखें कितनी होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात संधि स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि मात्रा के आधार पर तीसरा भेद क्या है, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं संस्कृत में जो है ओम, तो देखिए ओम में आपको 3 मात्रा दिख रही है, ओ उ और मा। इसके बाद जैसे किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम बुलाएं, जैसे जैसे मान लीजिए हमें राम को बुलाना है और वो काफी दूर खड़े हैं, तो हम बुलाएंगे हे राम। तो ये आप देखिए काफी देर तक इसको हम बोल रहे हैं हे राम, तो ये भी आपका त्रिमात्रिक स्वर हो जाएगा। अर्थात जिन स्वरों को हम बहुत देर तक खींच कर बोल रहे हैं वो भी जो है त्रिमात्रिक स्वर में आते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो कभी कभी डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। आइए हम लोग दूसरा विभाजन का आधार लेते हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए 11 स्वर होते हैं टोटल, तो 11 स्वर को जब हम बोलते हैं तो आपके ओठ की आकृति जो है देखिएगा कैसा बनता है। आप अपने घर पर यह चीज बोलकर देख भी सकते हैं कि देखिए मैंने दो आधार लिखा है, एक वृत्ताकार स्वर एक अवृत्ताकार स्वर। तो जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि वृत्त का मतलब क्या होता है, कि जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठ की आकृति एकदम गोलाकार हो जाए उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए लिखा है उ उ ओ औ, आप इन चारों स्वरों को बोलकर देखिएगा, जहां भी आप हैं वहां से बोलकर देखिए उ उ ओ औ, आप इन चारों स्वरों को बोलकर देखिए, आपके ओठ की आकृति आपको गोलाकार दिखेगी, तो इसीलिए इसका नाम है वृत्ताकार स्वर। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं अवृत्ताकार स्वर क्या है। तो जो बाकी के आपके 7 बच गए, जैसे 4 तो देखिए वृत्ताकार हो गया उ ओ औ, बाकी जो 7 आपके बच रहे हैं वो सभी अवृत्ताकार स्वर हैं, जैसे अ आ इ ई री ए आई। यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर आपके स्वर के भेद कितने हो गए? 2, एक वृत्ताकार स्वर और एक अवृत्ताकार स्वर। आइए हम लोग नेक्स्ट विभाजन देखते हैं
जिह्वा के क्रियाशीलता के आधार पर या जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पांचों भेद में ये बताऊंगा कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर स्वर का जो भेद है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो है यहां से आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी का, तो वहां पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे आप यूपीपी का एग्जाम देने जाइए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का देने जाइए, चाहे आप दरोगा का पेपर देने जाइए, इन सब एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखिये, जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तीन। अब देखिएगा कौन कौन से तीन है, पहले हम लोग नाम देखते हैं। अग्र स्वर है, मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अग्र स्वर में कौन कौन आएगा, मध्य स्वर में कौन कौन आएगा और पश्च स्वर में आएगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे इसको हम याद रखेंगे कि अग्र मध्य पश्च कैसे आएगा। तो देखिए, अग्र स्वर में आपका लिखा है इ, ई, ए, आई और री। मध्य स्वर में आपका लिखा है आ और पश्च स्वर में आपका लिखा है आ, ऊ, ओ, औ। अब आइए हम लोग, ये तो हो गया कि कौन कौन से अग्र है, कौन मध्य है, कौन पश्च है। लेकिन कई सारे छात्रों की ये परेशानी रहती है जो है कि हम ये बाद में भूल जाते हैं कि अग्र कौन सा है, मध्य कौन सा है, पश्च का है। तो आइए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं जो है इसको, कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो देखिए, आपको 11 स्वर में से केवल एक स्वर याद रखना है, कौन सा, आ, जो कि आ मात्रिक स्वर भी था। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जो आ मात्रिक स्वर था ये मध्य स्वर में आ जाएगा। तो आप केवल याद रखिए कि आ जो है वो जो लघु आ है वो मध्य स्वर है। इसके बाद आ को छोड़कर जिन स्वरों में भी तीन का आपको आकृति दिखेगा, तीन का आकृति मतलब जैसे देखिए पश्च स्वर वाले में देखिए आपका दीर्घ आ लिखा है, उसमें भी आगे तीन जैसा चित्र बन रहा है। इसके बाद आप ऊ देखिए, उसमें भी तीन जैसी आकृति दिख रही है आपको। लघु ई और लघु ऊ और दीर्घ ऊ दोनों में देखिए तीन तीन बना। फिर लघु ओ देखिए आपको, उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, तीन जैसी आकृति। और औ में भी देखेंगे तो तीन जैसी आकृति दिख रही है। अर्थात आ को छोड़कर जिन भी स्वरों में तीन जैसी आकृति आपको शुरुआत में दिखेगा वो सभी पश्च स्वर में चले आते हैं। तो आ आपका मध्य स्वर में हो गया, बाकी आपका आ, उ, उ, ओ, औ ये सभी पश्च स्वर में आ गए। तो जो बच गया बाकी जो है, जैसे एक तो मध्य स्वर हो गया और पांच इसमें आ गए जो है, तो छह स्वरों को छोड़ दीजिए, बाकी छह पांच ग्यारह होता है, तो जो पांचों स्वर बच जाएगा वो सभी अग्र स्वर में आ जाएगा, यानी इ, ई, ए, आई और री। एक तो तरीका आपका यह है याद करने का कि मध्य स्वर में जो है आ लिखेंगे और बाकी जिसमें भी जिसमें तीन आता है जो है उसको आप पश्च स्वर में लिख डालेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो अग्र स्वर में चला जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट विभाजन देखते हैं जो है मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। तो आप संख्या भी जरूर याद रखिएगा, जैसे संख्या भी पूछता है कि जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ऑप्शन में दिया रहता है दो, तीन, चार और पांच, तो आपको तीन लगाना रहेगा क्योंकि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, अग्र, मध्य और पश्च। आइए हम लोग देखते हैं मुख विवर के आधार पर। मुख विवर का मतलब होता है मुख छिद्र के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। तो देखिए, मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम लोग नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा स्वर किसमें जाएगा। तो देखिए, संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर और अर्ध विवृत्त स्वर। नाम ही बहुत कठिन लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर और अर्ध विवृत्त स्वर। तो देखिए, संवृत्त का मतलब ही होता है बंद, यानी जिन स्वरों को बोलते समय आपका मुख विवर मतलब जो मुख का छिद्र है वो बहुत ज्यादा नहीं खुले, बंद टाइप का रहे, वो स्वर क्या कहलाएंगे, संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त का मतलब ये होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो है मुख का विवर यानी मुख का छिद्र जो है आधा बंद रहे, मतलब बहुत ज्यादा ना खुले और आधा बंद रहे, आधा खुला रहे, उन स्वरों को अर्ध संवृत्त बोलते हैं। आप बोलकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विवृत्त स्वर में देखिएगा, ऐसा स्वर जिनको बोलते समय जो है हमारा मुख विवर एकदम खुला हो जाए जो है, मतलब पूरी तरीके से खुल जाए जो है। इसके बाद देखिए चौथा है अर्ध विवृत्त स्वर, यानी आधा खुला हुआ, यानी उन स्वरों को हम इसमें लिखेंगे जिनको बोलते समय आधा हमारा स्वर खुला रहता है, आधा मुख खुला रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा स्वर किसमें किसमें जाएगा। तो देखिए, संवृत्त स्वर जो है जिसमें कि पूरा पूरा बंद रहेगा आपका मुख, इसको याद करने का तरीका है इउरी। आप ऐसे याद रख लीजिए इउरी, तो क्या याद रखेंगे, इउरी और कौन कौन सा स्वर इसमें आएगा, देखिए ई, ई, उ, उ और री। तो कैसे याद किए हम लोग इसको, इउरी से याद कर लिए। इसके बाद देखिए आएगा आपका अर्ध संवृत्त स्वर, यानी आधा बंद रहेगा, तो देखिए ए ओ, ए ओ, आप इन दोनों को बोलकर देखिए तो इसमें आधा मुख आपका खुलेगा, आधा बंद रहेगा, तो आधा मुख खुला रहेगा आधा बंद रहेगा, इसीलिए इसका नाम है अर्ध संवृत्त स्वर ए ओ। इसके बाद आप देखिए विवृत्त, विवृत्त का मतलब होता है पूरा खुला हुआ, तो आप देखिए आ, आ, तो जैसे ही आपने आ बोला, दीर्घ आ बोला, आपका पूरा मुख विवर खुल जाएगा जो है, इसीलिए विवृत्त स्वर में एक ही स्वर आएगा आपका, कौन सा, दीर्घ आ, लघु आ नहीं आएगा इसमें, दीर्घ आ आएगा। इसके बाद आइए हम लोग चौथा देखते हैं जो है अर्ध विवृत्त स्वर, यानी इसमें आधा खुला रहेगा। देखिए
लघु आ यानी अ और आई और औ, इन चार इन तीनों स्वर को आप बोलकर देखिए ये कौन से स्वर कहलाएंगे, अर्ध विवृत स्वर। देखिएगा कैसे कैसे हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। समृत स्वर में आपका यूरी हो जाएगा ई ओ ओ री, अर्ध समृत में आपका ए ओ हो जाएगा ए ओ ए ओ। विवृत देखिए एकदम खुला हुआ है, तो आप ग्यारहों में से केवल एक स्वर ऐसा है जिनको बोलते समय आपके मुख विवर एकदम खुल जाता है, कौन सा आ आ आ, यानी आ जो है वो आपका पूरा पूरा विवृत स्वर है। इसके बाद देखिए अर्ध विवृत स्वर है अ आई और औ। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब पांचवा विभाजन देखते हैं, जो है कि स्वरों का पांचवा विभाजन किस आधार पर किया गया है और उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अनुनासिकता के आधार पर, यानी अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। आप संख्या जरूर याद रखिएगा कि किस आधार पर कितने भेद होते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का नेचर है कि वो संख्या तक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन सा? एक अनुनासिक स्वर होता है और एक अननुनासिक या निरनुनासिक स्वर होते हैं। अननुनासिक और निरनुनासिक दोनों एक सेम टाइप की चीज है जो है। तो कैसा है देखिए, अनुनासिक का मतलब होता है जिन स्वरों को बोलते समय प्राण वायु मुख और नाक दोनों से निकलता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु मतलब श्वास, तो श्वास जो होती है वो मुख और नासिका दोनों से निकलती है जो है, उन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी जो भी आपको गर्भ स्वर दिख रहे हैं अगर हम उनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा दें, जिनको आप चांद बिंदी का चिन्ह बोलते हैं, हालांकि हिंदी में उसको चांद बिंदी नहीं बोलते हैं, वो गलत होता है, उसका नाम अनुनासिक है। अनुस्वार का ही जो तद्भव होता है उसी को अनुनासिक कहते हैं। मैं आगे के चैप्टर में जब आपको तत्सम तद्भव चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अनुनासिक जो होता है वो अनुस्वार का ही क्या होता है, तद्भव रूप होता है। यहां के लिए फिलहाल आप इतना जानेंगे कि जिसको आप चांदबिंदी बोलते हैं वो चांदबिंदी का चिन्ह नहीं होता है, वो अनुनासिक का चिन्ह होता है हिंदी के हिसाब से। तो अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, जो भी ग्यारह स्वर आपके लिखे जा रहे हैं अगर हम उनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा दें, जिसको आप चांदबिंदी समझते हैं, वही सब स्वर क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं निरनुनासिक क्या होता है या अननुनासिक क्या होता है। तो देखिए अननुनासिक का मतलब होता है, अन मतलब होता है ये उपसर्ग के रूप में देखिए लगा है अन, और नासिक इसका मतलब जिसमें मुख से जो है सांस निकले लेकिन नाक से ना निकले, यानी ऐसे स्वर जिनमें जिनको उच्चारण करते समय प्राण वायु जो है वो मुख से तो निकले लेकिन नाक से ना निकले जो है। जैसे आप बोलकर देखिए सारे स्वर को आ आ इ ई उ उ री ए ऐ ओ औ, यानी जो ग्यारहों स्वर आपके लिखे जाते हैं ये सभी स्वर कैसे होते हैं आपके, निर्नुनासिक होते हैं या अननुनासिक स्वर होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें आज समझ में आई होंगी। देखिए आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, यहां से पक्का है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और 52 वर्णों को दो पार्ट में बांटा गया है, देखिए स्वर और व्यंजन। तो पक्का है कि एक अगर वर्णमाला से आपके तीन क्वेश्चन आने की संभावना है तो एक क्वेश्चन तो आपका स्वर से आ जाता है, एक क्वेश्चन आपका व्यंजन से आ जाएगा और एक क्वेश्चन कोई ना कोई उच्चारण स्थान से पूछ लेता है कि इस वर्ड का क्या उच्चारण स्थान होगा, जो कि हम अगली कक्षाओं में आगे की कक्षाओं में देखेंगे उसको। तो आज की कक्षा का एक बार मैं फिर से आपका रिपीट कर देता हूं, जहां से आज का क्लास पढ़ाया गया है दो मिनट में आप सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने आज की कक्षा आपकी यहां से शुरुआत किया था कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 11। ग्यारह स्वर देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, इसमें से जो आ है आपका वो आमात्रिक स्वर होता है या उदासीन होता है या शहीद स्वर होता है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद देखिए मैंने एक प्रश्न आपको बताया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11, और मात्रा के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 10। कारण क्या है कि उन 11 स्वरों में से केवल एक स्वर आ ऐसा है जो कि आमात्रिक है, तो इसका मतलब उसकी मात्रा नहीं है, तो 11 में से एक घटा दीजिए 10 आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका कि स्वरों के भेद, इसके बाद मैंने भेद का आधार भी आपको बताया है और संख्या भी बताया है, आप संख्या भी याद करेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, एक मात्रिक स्वर, द्वि मात्रिक स्वर और तीन मात्रिक स्वर। एक मात्रिक में देखिए आ ई उ री आया, द्वि मात्रिक में आपका देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको संधि स्वर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये मूल स्वरों की ही सहायता से संधि करके बनाया गया है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी सात स्वर ऐसे हैं जो संधि स्वर हैं, यानी गुरु स्वर हैं, यानी दीर्घ स्वर हैं जो है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि त्रिमात्रिक स्वर क्या होता है। तो जैसे आप ओम बोलते हैं तो ओम में देखिए तीन मात्रा आती है, ओ उ और मा, या किसी दूर खड़े व्यक्ति को आप जैसे पुकारते हैं जो है कि हे राम इधर आओ, तो आप उसको देखिए काफी देर तक खींचते हैं जो है, तो त्रिमात्रिक स्वर हो गया। इसके बाद मैंने बताया ओष्ठ की आकृति के आधार पर दो होते हैं भेद, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार में आपका ऐसा स्वर आता है जिन्हें उच्चारण करते समय हमारा मुख विवर गोल हो जाता है, जैसे उ उ ओ औ, आप बोलकर देखिएगा उ उ ओ औ, तो आपको वृत्ताकार दिख जाएगा, लगेगा आपको कि वृत्ताकार स्वर है।
अवृत्ताकार स्वर, जो बाकी सातों बच जाएंगे वो सभी अवृत्ताकार स्वर में आ जाएंगे। तीसरा विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिह्वा के क्रियाशील भाग के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तीन, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कि मध्य स्वर आप याद कर लीजिए आ, बाकी जिन जिन स्वरों में तीन आपको दिखे आगे, तीन 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 जैसा दिखे, वो सभी पश्च स्वर हो जाएंगे, जैसे आ उ ओ औ, ये सभी आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। बाकी जो बच जाएंगे वो सभी अग्र स्वर में चले जाएंगे, जैसे इ ए आई और री। इसके बाद चौथा आधार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद, चार भेद होते हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत। समृत में यूरी आएगा आपका इ ई ओ ओ री, अर्ध समृत में ए ओ आएगा, विवृत में आपका आ आएगा और अर्ध विवृत में आपका आ ए और औ आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद, तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, अनुनासिक स्वर है और अननुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर है। तो अनुनासिक स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में प्राण वायु मुख और नासिका दोनों से निकले उन्हें हम अनुनासिक स्वर बोलते हैं, जैसे आ आ ई ई, इस तरीके से आप बोलकर देखिए कि मुख से भी प्राण वायु निकले और नासिका से भी निकले, यानी अनुस्वार का चिन्ह लगा दीजिए अगर आप जो है अनुनासिक का जो है स्वरों पर, तो वही आपका अनुनासिक स्वर हो जाएगा। और निर्नुनासिक स्वर जो होते हैं अगर आप स्वरों को सिंपली लिख दें जैसे आ आ ई ई, तो यही सब आपके अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर हो जाएंगे, यानी सभी स्वर जो ग्यारह स्वर होते हैं ये अनुनासिक या निर्नुनासिक होते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।